आपकी मर्जी के बिना दुनिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता। मेरी तो पूरी दुनिया हिल गई और आपको पता तक नहीं चला। और अगर आपको पता है कि आपकी एक निर्दोष भक्त, एक निर्दोष माँ अपने मासूम बच्चे से अलग हो गई है और आपने कुछ नहीं किया, आपकी भक्ति का कोई मोल नहीं। महादेव, मेरे अंदर डायन का खून है, मैं दावंश हूं। आपको जो दंड देना है मुझे दीजिए, लेकिन मेरे पिया, मेरे मुन्ने ने किसी का क्या बिगाड़ा मार दे कि आपने उन दोनों को ही अलग कर दिया। आज तक आपने मेरे और मेरे पिया के बहुत इम्तिहान लिए, लेकिन आज भक्त की नहीं भगवान की परीक्षा है। अब या तो आप मुझे मेरी पिया लौटाएंगे या मैं यही आपके सामने अपनी जान दे दूंगा। अगर पिया की सांसें नहीं लौटी तो मैं भी मृत्यु तांडव करते हुए अपना दम तोड़ दूंगा। जलम प्रवाह पावितस्कले गले बलं विलंबितांबुजंग तुंगमालिकाटमट्टमट्टमण्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। संभ्रमं भ्रमन्निलिप्त निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्ध गद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। संतति प्रबोधमान मानसी प्रभा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्दुरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तु। जलं प्रवाह पावितस्खले गले वलं विलम्बितांबुजंग तुंगमालिकाटमट्टमट्टमण्निनाद वट्टमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। ॐ चकाटवीगलं जलं प्रवाह पावितस्खले गले वलं विलम्बितांबुजंग तुंगमालिकाटमट्टमट्टमण्निनाद वट्टमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। बाप रे बाप, अरे ये तो पूरी लाइब्रेरी है। जितना मैं दिव्या को जानता हूँ, अगर उसने मुझे वो पहेली बताई थी तो फिर इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने का तरीका भी उसने प्लान करके जरूर रखा होगा। लेट्स चेक इट आउट। डैड, वो देखिए, अरे सावी जी, तुमको पता है ये क्या है? अरे ये सब पूजा का सामग्री है भाई, यहाँ शिवलिंग नहीं है, इसका क्या काम है बताओ? पहले हमको शिवलिंग वापस लाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। यही है वो क्लो जिससे हमें पता चल सकता है कि वो किताब कौन सी है जिसमें दिव्या ने भारत शिवलिंग को वापस लाने का तरीका लिखा होगा। ये विभूति अपने हाथ में लो, अब इस विभूति को सामने फेंको।
अगर आप सिद्धि है तो आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आप ही का भक्त हूँ। आज देख ही लेते हैं कि भगवान और भक्त की जिद में कौन जीतता। अगर आपने मेरी प्रिया को ठीक नहीं किया ना, तो मैं ऐसे ही एक पैर पर आपके सामने खड़ा रहूंगा जब तक मेरी सांसें चली नहीं जाती। या तो आपको प्रिया की सांसें लौटानी होगी या फिर अंश की धड़कने छीन लेनी होगी। फैसला आपको करना है कि आपको किसे जिताना है, अच्छाई को या बुराई को। दिव्या ने लिखा है कि ये पारद शिवलिंग इतना शक्तिशाली है कि महाशिवरात्रि को इसकी उपासना हर कोई नहीं कर सकता। मात्र वो कर सकता है जो स्वयं को महादेव का सच्चा भक्त सिद्ध करे, वो करे जो महादेव ने किया था। महादेव ने कंठ में विष धारण किया था, भक्त को हृदय में विश्वास धारण करना होगा। विश्वास धारण करना होगा मतलब मतलब कि हमको नहीं पता है, आपको तो पता है सर, तो हमको बता दीजिए। हाँ डैड, प्लीज बताइए ना, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता।